मुरारीलाल गोयल, संस्थापक अध्यक्ष सेवाग्रह। नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर सभी जगह माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना हो रही है और सभी भक्त माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली हो, धन धान्य हो और परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। इसी के लिए सेवाग्रह सभी शहरवासियों को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। सिंह चौहान, डायरेक्टर जेसी कैरियर पॉइंट सदर बाजार आगरा। मैं सभी देशवासियों को और शहरवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेरेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के चिंतक स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 108वें जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को शहीद स्मारक में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम की जानकारी दी। आज हमारे राम मोहन लोहिया जी का जन्मदिन है 108वां। आज उनके विचारों पर गोष्ठी करने के लिए समाजवादी लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए और आज ही हमारे राजगुरु सर और उनका भी कुर्बानी का दिन है। तो हमारा मकसद यहाँ पर गोष्ठी का श्रद्धांजलि कैसे था कि जब यहाँ अंग्रेजों के टाइम में सेंटर जेल तो हमारे लोहिया जी यहाँ अंग्रेजों ने कैद करके रखे थे और 1946 में वो यहाँ से यहाँ हुए। उन्हीं के विचारों पर समाजवादी लोग आज उनके जन्मदिन पर गोष्ठी कर रहे हैं, उनके विचारों की, उनकी सोच के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से करौली जाति के होने के बाद, वैश्य समाज से होने के बाद, जर्मन में पढ़ने के बाद उन्होंने देश में आकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया और दूसरा उन्होंने दबे कुचले पिछड़े बैकवर्डों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आज डॉक्टर लोहिया जी का 108वां जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी उन्हीं का जन्मदिन मना रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि डॉक्टर जो लोहिया ने कहा था कि समाज को पिछड़े तबके को ऊपर बराबर सम्मान देना चाहिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि लोग मेरी बात सुनेंगे, लेकिन मरने के बाद डॉक्टर लोहिया ने कहा था जब तक इस दुनिया में बुराई को बुराई कहने वाला नहीं होता तब तक इस दुनिया में बुराई खत्म नहीं हो सकती है। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में ये गोष्ठी मनाई जा रही है और निश्चित हम लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग ऊपर उठ के अपने पढ़ाई वाले, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, निश्चित तौर पर डॉक्टर लोहिया जी के बताए रास्ते चलने कर सकते हैं। देखिए आज हम सारे समाजवादी लोग शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं और हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 108वीं पुण्यतिथि के रूप में आज मनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही शहीदी दिवस के रूप में भाई राजगुरु, भाई सुखदेव और शहीद भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हैं शहीदी दिवस के रूप में। जिस तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया,
जातिवाद को मिटाने का काम किया, गरीबी और अमीरी की जो रेखा थी उसको मिटाने का काम किया। उनके सिद्धांत के लिए आज संकल्पित हैं, संकल्प लेके जा रहे हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय राष्ट्रीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चलकर कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम किया। आज के दिन हम यही समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं कि समाज की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे, अमीरी और गरीबी की जो रेखा है उसकी दूरी को मिटाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के महाचिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 108वीं जन्मतिथि मनाई जा रही है। गोष्ठी के रूप में महानगर वादी निषाद जी के नेतृत्व में आज शहीद दिवस है, तो शहीद दिवस भी मनाया गया। यूथ की पीढ़ी जिस तरह से हमारी राजनीति रोक रही है उसको महानगर अध्यक्ष जी ने विचार विमर्श करके यूथ को बताने का काम किया है कि इन लोगों ने इनके बलिदान से कितना देश आजाद हुआ। राम मनोहर लोहिया जी की विचार समाजवादी पार्टी के जितनी बार सरकार बनी है उनके विचारों से ही बनी है, उनके विचार का विमर्श किया गया। देश में देखा है अक्सर देश विरोधी नारे लग जाते हैं, क्या मानते हैं युवा भटक रहा है, जो बलिदान दिया गया है उसका गलत उपयोग, बिल्कुल गलत उपयोग किया गया है। ये तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि युवा पीढ़ी को भटकाने का काम किया जा रहा है, धर्म की राजनीति बांटने का काम किया जा रहा है, इसका निश्चय ही आगे वाला समय खराब ही होगा। आपको बता दें कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत पर पुण्यतिथि भी आयोजित की गई। तो वहीं गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी के कार्यकर्ता और नेताओं को डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों और नीतियों पर चलना चाहिए। तो वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में वाजिद निसार, सौरभ गुप्ता, मुकेश यादव, राजपाल यादव व रोहित शिवहरे के अलावा और भी लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम की जानकारी दी। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट।